नमस्कार, मैं हूँ युक्ति और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मसाला प्लेस में। आज तो आपको वीडियो देखते ही पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और कौन सी आइसक्रीम की रेसिपी वो भी पता चल गया होगा। तो आज मैं आपके साथ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और हाँ, एक विशेष सूचना मेरे नए व्यूवर्स के लिए जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए, मैंगो आइसक्रीम बनाइए मेरे साथ और आप खाइए अपनों के साथ। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंगो चाहिए, तो यहाँ मैंने 2 बिग साइज के मैंगो लिए हैं। और हमारे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैरायटी के मैंगो मिलते हैं। आप किसी भी स्टेट की किसी भी सिटी में रहते हो और वहाँ पे जो भी मैंगो मिलता हो, आप उस आम से ये आइसक्रीम बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से मैंगो का पल्प निकाला है। आप चाहे तो पूरा मैंगो को पील करके पहले फिर उसका पल्प निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें क्या है ना, पल्प की प्योरी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मैंगो को करीबन 2-3 टेबल स्पून मैंगो यहाँ पे मैंने इसमें अलग कर लिया है, जो कि हमें डेकोरेशन के काम में आएगा। ये करीबन 2 कप मैंगो पल्प मिला है हमें 2 मैंगो से। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं मैंगो प्योरी बनाने के। एक तो हम डायरेक्टली मिक्सी ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर ले, और दूसरा कि हम इसे मैश करके मोटी छन्नी से इसे छान ले, जिससे हमें मैंगो की स्मूथ प्योरी मिल जाएगी। तो आज मैं ये आइसक्रीम फ्रेश क्रीम से बनाऊंगी। कोई व्हिपिंग क्रीम का झंझट ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी व्हिपिंग क्रीम हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चिल्ड क्रीम ली है। अब इस क्रीम को हम इलेक्ट्रिक बीटर से लो स्पीड पर सॉफ्ट पीक आने तक इसे अच्छे से बीट करेंगे। बस आपको क्रीम व्हिप करते समय यह ध्यान रखना है कि आपकी क्रीम चिल्ड होनी चाहिए, और आप जिस बर्तन में क्रीम को व्हिप करें वो बर्तन एकदम ठंडा होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है ना, इसमें स्वीटनेस के लिए मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी, करीबन 3/4 कप। आप चाहे तो इसमें शुगर का भी यूज कर सकते हैं, बट शुगर डालने से आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल बनने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। अब हम इसमें मैंगो प्योरी ऐड कर देंगे। अब मैंगो आइसक्रीम बनेगी कैसी वो डिपेंड करता है आपके मैंगो पे, आपने कौन सी वैरायटी का मैंगो लिया है। तो जितना अच्छा मैंगो होगा, जितना मीठा और जितना पल्पी आपका मैंगो होगा ना, उतनी ही टेस्टी आपकी आइसक्रीम बनेगी, आई एम श्योर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ आइसक्रीम का बेस बन के रेडी है। तो आइए अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इस पर लेड लगा देंगे, और यहाँ पर मैंने कोई सिल्वर फॉइल का यूज नहीं किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आइसक्रीम जमाने के लिए एयर टाइट कंटेनर का यूज किया है। और अब इसे 4 घंटे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। तो आइए अब कुछ डिफरेंट तरीके से आइसक्रीम को सेट करते हैं। यहाँ मैंने जो मैंगो पल्प निकालने के बाद जो छिलका बच गया था आम का, उसी में मैं ये आइसक्रीम को सेट करूंगी। अब आप देखिए, इसे मैंने इस तरह से सिल्वर फॉइल से चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। और इस तरह से आइसक्रीम को सेट करने से आपको आइसक्रीम जमाने के लिए कोई बॉक्स या कंटेनर की भी आवश्यकता नहीं होगी, और साथ ही में आपको सर्व करने के लिए कटोरी या प्लेट की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसे आप बस डायरेक्टली फ्रिज से निकालें और स्पून के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने अपनी मैंगो स्लाइस आइसक्रीम सेट करने के लिए रेडी कर लिया है। अब आप बताइए आप इसे कब बना रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए, हमारी आइसक्रीम जमना स्टार्ट हो गई है, और अब हम इसे फोक की हेल्प से इसे थोड़ा सा हिला लेंगे पहले, और फिर हम विस्कर से इसे विस्क करेंगे 3-4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये फाइनली स्मूथ नहीं हो जाता। फिर से हम आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स को ब्रेक करने के लिए ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर आपकी आइसक्रीम मार्केट से भी बेटर, क्रीमी, सॉफ्ट एंड वेलबटी बनेगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ मैंगो के पीसेस भी इसमें डाल दिए हैं, और इसे मैं मिक्स कर दूंगी ताकि ये आइसक्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। और रियल मैंगो आइसक्रीम खाने का तो मजा ही तब है जब आइसक्रीम की हर बाइट में मैंगो के पीसेस हों। अब हम इसे फ्रीजर में ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारी आइसक्रीम कितने अच्छे से सेट हो गई है। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
ये देखिए कितनी बढ़िया से अच्छे से आइसक्रीम हमारी सेट हुई है, कितनी सॉफ्ट, आपको टेक्सचर देखने से ही पता लग रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस पर थोड़े से पिस्ताचू गार्निश किए हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। अब जो हमने मैंगो स्लाइस आइसक्रीम सेट की थी ना, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिल्वर फॉइल को ऐसे इसमें से निकाल दूंगी, लाइक दिस। ये देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम सेट हुई है, वो भी बिना किसी आइस क्रिस्टल्स के। ये देखिए, तो अब हम इसी तरह से इसका भी सिल्वर फॉइल रिमूव कर लेंगे, तो है ना एकदम यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की आइसक्रीम जमाने का तरीका, जिसमें ना ही आपको किसी मोल्ड की ज़रूरत है, ना कटोरी, ना ग्लास, ना किसी तरह के एयरटाइट कंटेनर, बॉक्स, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है आम के छिलकों की। तो आप भी इस गर्मी इस आइसक्रीम को ज़रूर बनाइए और आप खाइए अपनों के साथ। ये देखिए कितनी क्रीमी और सॉफ्ट बनी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।